आलमी खबरों में अभी आपको बताएं कि जापान के शहर हिरोशिमा पर एटमी हमले को 75 साल हो गए। यादगारी तकरीब में मुतासरीन के रिश्तेदारों और बाज आलमी शख्सियात ने शिरकत की। एटम बम हमले में हलाक अफराद की याद में एक मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। कोरोना के बाद तकरीब में आम अफराद की शिरकत पर पाबंदी आयद थी। अमरीकी एटमी हमले में 1,40,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। जापान के शहर हिरोशिमा पर एटमी हमले को 75 साल बीत गए। यादगारी तकरीब में मुतासरीन के रिश्तेदार और हुकूमती नुमाइंदों ने शिरकत की। कोरोना के सबब तकरीब में आम अफराद की शिरकत पर पाबंदी आयद की गई थी। इस मौके पर हिरोशिमा के मेयर का अपनी तकरीर में कहना था कि दुनिया को कोरोना वायरस की तरह आलमी खतरात का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये शहर एक एटमी हमले में तबाह हो गया था, लेकिन आज ये अमन की अलामत बन गया है। हिरोशिमा के एटम बम हमले की यादगारी सालाना तकरीब में अफराद की याद में एक मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर एटमी हमला किया था, जिसमें 1,40,000 अफराद हलाक हो गए थे।